हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं अंडा और आलू से अंडा करी। इसके लिए मैंने अंडा और आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। यह बॉईल हो चुका है, अब इसको पानी से निकाल लेते हैं और इसके जो छिलके हैं उसको हम निकाल लेते हैं, पील आउट कर देते हैं इसके छिलके। ये हमने पील आउट कर दिया। अब इसके हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए पहले हम अंडा और आलू को मैरिनेट कर लेते हैं नमक और हल्दी से। और मैंने अंडे में पतला पतला स्लिट लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये इसलिए लगाया है क्योंकि हम जब इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये अंदर तक ग्रेवी का फ्लेवर जो रहेगा मसाले का वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके अंदर, और अंदर से वो फीका नहीं लगेगा। इसीलिए इसको हल्का सा ही स्लिट लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर आप स्लिट लगा देंगे तो ये टूट जाने का भी डर रहता है। इसलिए हल्का हल्का, जस्ट हल्का सा चाकू से चीरा लगा दीजिएगा। और इसको हम नमक हल्दी से मैरिनेट कर चुके हैं। अब इसको पहले फ्राई कर लेते हैं तेल में, अच्छे से रेडिश गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। चलिए, मैं कढ़ाई बैठा चुकी हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया। इसको तेल को गर्म हो जाने देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा दीजिएगा। अदरवाइज़ जिस जगह में तेल नहीं है उस जगह में अगर आप अंडे को डालेंगे तो वो चिपक सकते हैं। अब इसको अच्छे से पूरा ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। इसे खाने में, जब आप ग्रेवी में इसको खाएंगे तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, एकदम बाज़ार जैसा, जैसे होटल में मिलता है ना वैसे ही फ्राई किया हुआ। ऐसे गोल्डन ब्राउन ये हो चुके हैं। चलिए, अब इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। अब इसकी ग्रेवी बनाते हैं, और ये लेफ्ट ओवर जो तेल है इसी में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने दो मिर्ची को स्लेट करके डाल दिया है और एक प्याज को बारीक काट लिया था उसको भी डाल दिया है। उसको अच्छे से भून लेते हैं तेल में। लगभग ये फ्राई हो चुके हैं ऑनियन हमारे, तो इसमें हम अदरक और लहसुन का 1 स्पून दोनों मिला के डाल के उसको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन जाए। और इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटो हॉट एंड स्वीट सॉस डाला है, आप इसके जगह में टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे स्पेशली अंडा करी में ये सॉस डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अभी आप डाल के ज़रूर देखिएगा। इसीलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अंडा की ग्रेवी में आप टमाटो सॉस डाल के बना के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं। पहले मैंने हींग डाला, फिर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये नमक टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये है कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करके डाला है। नमक आप एकदम ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने अंडा और आलू को जो मैरिनेट किया था उसमें भी डाला था, और उसी प्लेट का जो मैरिनेशन बचा था उसको भी धो के थोड़ा सा पानी में डाल दे रही हूँ, तो उसका नमक भी रहेगा। इसलिए उसमें आप और किस हिसाब से आप जितना जैसी आपको ग्रेवी रखनी होगी, कम ग्रेवी या पतली ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें नमक डालिएगा। और थोड़ा सा हल्दी डाला है मैंने, क्योंकि हमने पहले भी उस अपनी हल्दी डाला था। बस मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, इसलिए इसमें हम अब जो फ्राई करके अंडे और आलू को रखा था उसको भी डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा मैरिनेटेड जो मसाले जो हैं उसके साथ इसको कोट कर देते हैं सारे मसाले के साथ। मैरिनेशन जो कोटिंग हो गया है, इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला पाउडर डाला है। आप स्टार्टिंग में भी तेल में खड़े गरम मसाले डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं यूज़ किया था, मैंने पाउडर ही थोड़ा सा यूज़ किया है। और इसमें आप हल्का गुनगुना गर्म पानी डालिएगा, इससे टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छा आता है। बस मसाले को अच्छे से इसमें घोल देते हैं पानी में, और इसको बॉईल आने का वेट करते हैं। जब तक ये अच्छे से बॉईल हो जाए, जस्ट 5 मिनट इसको अच्छे से हाई फ्लेम में आप बॉईल करने दीजिएगा।
इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे अंडा और आलू दोनों बॉइल्ड है तो सॉफ्ट ऑलरेडी है। थोड़ा देर इसको बॉईल करके बस रेसिपी रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कंप्लीट है। चलिए मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे।